मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, सेशन लेट और डिग्री मिलने में विलंब होने से छात्र छात्राएं काफी आक्रोश में हैं। इसी को लेकर कल 20 जनवरी को मगध विश्वविद्यालय छात्र जदयू जिला अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा के नेतृत्व में एक विशाल पैदल मार्च निकाला जाएगा। ये पैदल मार्च गया के गया कॉलेज होते हुए गांधी मैदान और समाहरणालय तक पहुंचेगा और जगह जगह पर राज्यपाल का पुतला दहन किया जाएगा। इस पैदल मार्च में हजारों छात्र शामिल होंगे। इस मौके पर छात्र जदयू जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इससे 4 वर्ष से सेशन लेट चल रहा है, डिग्रियां नहीं मिल रही है, इसका सारा जिम्मेदार राज्यपाल है। राज्यपाल के द्वारा मगध विश्वविद्यालय कोई भी स्थायी कुलपति नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रभारी कुलपति को पावर भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण सेशन लेट हो रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कल कुजापी से होते हुए गांधी मैदान और समाहरणालय से टावर चौक तक विशाल पैदल मार्च निकाले जाएंगे। इस दौरान जगह जगह पर कई पुतले भी फूके जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी मगध विश्वविद्यालय सेशन लेट लतीफी का रवैया अपनाता है तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैदल मार्च को लेकर अब तक कुछ मगध विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा भी डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन उत्तम कुशवाहा किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन का समय दिया जाता है, नहीं तो राज्यपाल को भी अपने आवास से निकलने नहीं देंगे, जिसको लेकर हम जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नेता है वो, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांति लाने वाले नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो हमारे सर्वोच्च है। हम लोग पिछले माह में भी उनसे समक्ष रखा था, पूरी टीम गई थी, और इस बार भी परसों आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान यात्रा के लिए। तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरे छात्र रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार में आपका कहीं ना कहीं उनका नाम को भी धूलिन करने का प्रयास किया जा रहा है राजभवन केंद्र के द्वारा, कि बिहार के बच्चे मुख्यमंत्री से मांगेंगे डिग्री। लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि केंद्र सरकार अगर राजभवन ही सोच रही होगी कि बिहार के बच्चा अनपढ़ है, बुड़बक है, तो भूल जाइए कि बिहार के बच्चा जान गया है कि राज्यपाल के द्वारा ही विश्वविद्यालय की स्थिति खराब की गई है। साथ में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत बड़े नेता है, मैं खुले रूप से बोला, भाजपा के भी कोई नेता बोला है विश्वविद्यालय पर? जितने भी इन भाजपा के नेता शीर्ष नेतृत्व है, क्या मगध विश्वविद्यालय नहीं दिख रहा है उनको? हमको तो नहीं लगता कि कोई भी भाजपा का नेता हो जो उनके सत्ताधारी के जो केंद्र के सत्ताधारी में जुड़े हुए हैं, कोई नहीं बोल रहे। कुछ लोग बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, कभी उठाए हैं शराबबंदी पर उठा देते हैं सवाल के अति में राजभवन लोकसभा में और विधानसभा में, क्या मगध विश्वविद्यालय के लिए भी उठा दीजिए? बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, मगध विश्वविद्यालय छात्र नहीं दिख रहा है आपको? लाखों की संख्या में छात्र है, तो ये सब चालबाजी है सर, मैं बता रहा हूं आपको, केंद्र का ही हाथ है विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में। अगर इसके लिए हमको जेल भी जाना पड़े तो उत्तम कुशवाहा जाएगा जेल, जिसको रोकना है ना रोक लेगा गया में रैली को। और इस गया सी में झांकी है, अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट है, इसके बाद लोग बैठ जाएंगे, नहीं, 7 दिन के अंदर नहीं होगा तो राज्यपाल महोदय को आवास से निकलना बंद करवा देंगे। आप सर्वोच्च है, अगर इसके लिए अगर वो अरेस्ट भी करेगा तो करिए अरेस्ट। हमारे 100 लोग है, उत्तम कुशवाहा एक नेता नहीं है, आवाज है, लाखों युवाओं का आवाज है, हमारा अरेस्ट करिए गणेश जी, और लोग अरेस्ट करिए। सुनने में कल ही बता दे रहे हैं हम आपको, कल ही एक लोगों ने फोन करके धमकाया हमको कि बहुत